अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज की शुरुआत, और मैं कर रही हूँ ऊपर से क्योंकि मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, तो दिखा रही हूँ मैं। देखो, जाना भी देखो, पूरा काम कर रहे, थोड़ा सा सहत रहे सामान, और फिर नीचे जाएंगे और फिर रेडी होके सैलून। ठीक है, तो चलते हैं, अभी स्टार्ट यहीं से करते हैं। हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सैलून। और मैंने वापस से वेयर किया है वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स, क्योंकि मेरे अभी मुझे न्यू पहनना है, बट लेकिन मेरे क्लाइंट है तो मुझे जाकर अभी काम करना है सैलून पे, तो मैं अभी इतना हैवी नहीं पहन पाऊंगी, तो मैं शाम में पहनूंगी। और जाना ने अभी से नया पहन ली, तो देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। तो ये है शूज और ये है आज का न्यू लुक। तो जाना अभी से रेडी हो गई है, अभी से वह हैप्पी क्रिसमस मना रही है। तो अभी जा रही है जाना माँ के यहाँ पर, कुछ काम है, और मैं जा रही हूँ सैलून क्योंकि मुझे वहाँ पर काम है। मेरी क्लाइंट आए हैं गवंडी से, तो मैं शाम में पहनूंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है, और अभी घर में बहुत पसा रहा है इसलिए मैं एकदम जूम करके ले रही हूँ। ठीक है, कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताना, हमारी चॉइस तो एक नंबर रहती है। चिन्मा को पहनी। तो अभी तो मैं वैसी दिख रही हूँ, और आप लोग तो देखना कि मेरा ड्रेस कैसा है एकदम। और शाम में हम लोग शायद से जाएंगे बाहर स्टाफ को लेकर, वो भी कंफर्म नहीं है नहीं। तो 31 जाने वाले ना हम लोग तो। हाँ 31, तो 25 और 31 दो दिन तो रहता है यार। तो अभी जा रही हूँ सैलून पे, देखते हुए लोग क्या पहने, क्योंकि लोगों मैंने कहा कि आज तुम लोग रेड पहनो, बट मुझे नहीं लगता कि लोग पहने होंगे क्योंकि बहुत शर्मीले ये वाले स्टाफ। डोरेमोन मतलब चीनू। हाँ, चीनू को इसके लिए डोरेमोन बोलते ना, चीनू के बैग में ना चीनू का गैजेट है पूरा। वो नहीं क्या, वो बैग में से कुछ भी निकालते जाओ, निकलते जाता, तो वो है। और हम लोग अभी नाश्ता तो किए नहीं क्योंकि आज मूड है सैलून पे खाने का, क्योंकि मेरे क्लाइंट भी आ गए तो वेटिंग पे है वो। तो मैं जा रही सैलून और वहाँ जाके अपडेट देती रहूंगी जैसा भी रहेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग की तरफ से हैप्पी क्रिसमस। हम लोग आ गए सैलून और अंदर काम चल रहा है, और अभी तक मैंने बोला जैसा घर पे कि लोग रेडी नहीं होएंगे, रेडी तो सिर्फ मेकअप करके बैठे, कपड़े थे लोग पहनने वाले हैं नहीं। तो जैसा भी है, अभी जाना जा रही है मरियम माँ के इधर, अभी वो शूट करेंगी थोड़ा थोड़ा। ये देखो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है ना, ये मेरी पसंद है। ये सिर्फ मेकअप करके बैठे अभी, और यहाँ पर अली सिर्फ रेड पहना है और अली कर रहा है काम। देखो सब अच्छा, इन लोग ने एक कसम खाई है कि मेरे साथ में रेडी होंगे। ठीक है, तो अभी टाइम लगेगा कि मैं काम करूंगी, क्योंकि मैं भी काम करूंगी तो फिर इसके बाद देखते जैसा भी है। और आगे की अपडेट जाना देखती रहेंगी कि वो जा रही है बाहर फोन लेकर, है ना। मैं और मेरा ऋतिक हम जा रहे हैं थोड़ा काम से, मतलब मरियम माँ के यहाँ, फटाफट वहाँ से देख के फिर वापस रिटर्न सैलून आना है, कुछ काम था तो इसकी वजह से अर्जेंट जाना ही पड़ रहा है। मैं आपको मामा वैसे गाड़ी बड़ी अच्छी चलाता है। हाँ, अभी आजकल KTM भाई में बहुत कम चला रहे, कितनी जल्दी बर्गमैन लेने वाले भाई? एक महीने के अंदर हम लोग बर्गमैन लेंगे, क्योंकि न्यू मतलब 2023 में लेंगे ताकि 2023 का टैग लगे, बराबर। तो फिर चलो आगे मिलते हैं। मामा गाड़ी चला रहा मामा। अभी मामा और मैं जा रहे हैं आरे में, अभी आरे में हम लोग घुस गए। मजा आती यार पीछे बैठने में। कभी कभार छोटे भाइयों के पीछे बैठना मजा आता है, और मैं स्पेशली सिर्फ दो जन के पीछे बैठती हूँ, एक है ऋतिक और दूसरा एक अदनान है। मैं ज़्यादातर अब तक के बैठी भी हूँ तो सिर्फ ऋतिक के पीछे,
वो KTM। हाँ, और पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम KTM मतलब फर्स्ट टाइम गियर वाली गाड़ी चलाई थी, वो थी ऋतिक की। उसके बाद मैंने गाड़ियाँ चलाना स्टार्ट की, मतलब गियर वाली KTM के बाद मैंने मामा को चलाई ना रॉयल इनफील्ड, हाँ मतलब ये हाँ बुलेट, उसके बाद मैंने बुलेट चलाई। तो पहला मेरे ऋतिक की गाड़ी से मैंने शुरुआत की थी यार, बड़ी मजा आई थी। लोनावला में चलाई थी हम लोगों ने पहली बार गाड़ी, क्लच छोड़ छोड़ के, मेरे को पता ही नहीं था कि लेफ्ट साइड में क्लच भी होता है या ब्रेक भी होता है। बहुत अच्छा लगा था और मैं बहुत एकदम फ्री होके इसके पीछे गाली बैठती हूँ, मतलब एकदम यकीन रख के। बाकी तो मेरे को, मैं कभी चीजों के पीछे भी नहीं बैठी, साली ने किसी को नहीं गिराया सिवाय मेरे। जब पहली बार मैंने सिखाई भी तो सिर्फ मुझे ही गिराई, उसके बाद उसने आज तक कभी किसी को गिराई नहीं। और मामा तो माशाल्लाह, मामा उसको बहुत डर आता है KTM पे बिठा बिठा के, एकदम एंड टाइप पे जाके ब्रेक मारता है। अभी हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, आज मैं जा रही हूँ अकेली, आ रहे चीनू नहीं है, तो फटाफट जाते हैं और फिर देखते हैं, तो मिलते हैं आगे। अब माँ के यहाँ पर अभी जा रही हूँ, मैं लिफ्ट में हूँ और अभी जा रही हूँ मैं ऊपर, उनको दे के कुछ सामान, फिर मैं फटाफट निकलूंगी, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है? तो अभी पहले मैं उनका घर दिखाती हूँ। अभी ये 6 और ये 7, यस, तो ये 8, ओके। अभी माँ के घर से, और ये देखो मेरे लिए आया है घी, और मैं जा रही हूँ वापस सलोन। मुझे सिर्फ 5 मिनट का काम था यहाँ पे, मुझे कुछ देना था और फटाफट निकलना था, तो मेरा काम हो गया हुआ है और मैं अभी फटाफट निकल रही हूँ। तो अब ये देखो डोर ओपन होगा और मैं 1 मिनट में ही निकली हुई हूँ, आई थिंक सो। हाँ, ये यहाँ पर मैं निकल गई और ये देखो वही आज मैं मेरा बना रही हूँ, है ना? तो चले फिर वापस चले सलोन। और बता दे यार, फटाफट आए भी, फटाफट काम भी हुआ और फटाफट वापस भी जा रहे हैं, सलोन पे काम है, तो फिर सलोन पहुँचती हूँ फटाफट और फिर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? मामा की टोपी नहीं उतरती कभी, ठीक है? मामा की तब कभी टोपी नहीं उतरती, मामा में शर्ट भी पहनता है हमारा। तो फाइनली मैं पहुंच गई सलोन, और देखो चीलू ने मेरे लिए मंगाई हुई है तवा पुलाव, मैं भी खाऊंगी तवा पुलाव और यहाँ पर खाएगा ऋतिक तवा पुलाव। हम लोग दोनों, चीलू मंगाई, पेट भर के खाएंगे ना आज। तो चीलू ने अपने लिए दाल खिचड़ी मंगाई थी, कि नाश्ता नहीं किया था हम लोगों ने, तो अभी फटाफट खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो आप लोग ने देखा ही है कि जाना गई थी बाहर, काम से गई थी मरियम माखिया, तो वह आ गई जल्दी और उसके बाद मैं शूट कर रही हूँ। अभी चल रहा है अंदर काम, ऑफर है, आज 25 है, संडे है, तो ऑफर वैलिड है 31 तक का। तो अभी हेयर कलर हो रहा है, हाइड्रा फेशियल हो रहा है अंदर, और माइक्रोब्लेंडिंग जो मैं करने जाऊँगी, तो आप ये सब व्लॉग पे भी हम लोग एक साथ में डालेंगे थोड़ा थोड़ा जितना भी होता है शूट। बाकी आपको सब देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। अंदर काम हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। रियली कर रहा है आइनिंग, और एक जन है जिनका हाइड्रा फेशियल और कलर हुआ है लेकिन मैं उनका फेस नहीं दिखा सकती। और अभी मैं जा रही हूँ माइक्रो ब्लेडिंग करने के लिए, तो आप लोग देखो जैसे जैसे अपडेट रहेंगे वैसा वैसा मैं ब्लॉग में थोड़ा शूट करने बोलूँगी, ठीक है?
हम लोग रेडी, क्योंकि आज पता है आपको क्रिसमस है, तो हम लोग हर साल 25 को क्रिसमस मनाते हैं। और अब हम लोग सब रेडी हो गए, जाना भी फाइनली रेडी हो रही है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को मेरा गाउन कलर और गाउन कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। और मेरा मेकअप, तो ये है मेरा गाउन और कलर भी कैसा है ज़रूर बताना। हमेशा मैं रेड लेती हूँ लेकिन इस बार मैंने बहुत अलग कलर ली। और मेकअप भी कैसा लग रहा है ज़रूर बताना और गाउन स्पेशली, है ना, ऐसा लग रहा है बताओ जरा। किसने दिलाया गाउन ऐसे? तुमने दिलाया। और मैं ऐसा पहन के बाहर नहीं जाती हूँ, मुझे नहीं पसंद। पार्टी देंगी तो एक हिसाब से जो पीछे जो पीछे जो, और मैं चेंज कर दूंगी घर पे जाने से पहले। नहीं नहीं, बहुत प्यारे लग रहे। मैं ऐसे पहन के बाहर नहीं जाती, नहीं जाते पता है, थोड़ा पीछे जो फूल आएगा बेटा। जरूर बताना कैसा लगा। ये देखो जलबिल मछली मछली। हम लोग सब चेंज वेंज कर लिए और अभी जा रही हूँ मैं घर, मैं और जाना, क्योंकि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, क्योंकि उन लोग को भी घर जाना है। तो इंशाल्लाह 25 की पार्टी थी, पर अभी बोलते हैं ना सब थक जाए तो अपने घर जाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह 31 में या 31 से पहले हम लोग जाएंगे बाहर, बाहर मतलब खाना खाने यहीं कहीं, जैसा भी ये देखते हैं। और अभी देखते हैं घर पे आए हैं मेहमान यानी आंटी की बहन लोग, तो मैं आप लोग को उनसे मिलाऊंगी यही ब्लॉग में। तो चलते अभी घर, ठीक है, चलो। अरे हाँ, मैंने मेकअप नहीं निकाली क्योंकि घर जाकर निकालूंगी, अब मैं हीरोइन हूँ ना, वैसे मेरा मूड खराब है यार, छोड़ो वो सब, चले फिर घर। अब बेबू आई लव बेबू, चलो। और जाना है तो टेंशन क्या है, चार जाएगा तो आठ आएगा। चलो चलो, बाय बाय। आ गए घर पे और फ्रेश हुए और हम लोग खाना बिना खाए आज बनाता अखनी पुलाव। और अभी वही रूटीन रोज का हमारा हुक्का, क्योंकि अभी ठंडी है तो वो तो पीना ही है। और हमारे घर में नया मेहमान आया है, ये है कौन, शाहजैन। और ये आंटी शहनाज का कान में दर्द हो रहा है बहुत, श्रीन बैठी है। ये शाहजैन है, ये आंटी है, ये आंटी की पोती है, ये आंटी की पोती है। और ये जाना बैठिए, और ये हमारा उसका रूटीन। तो मैं ब्लॉग अभी इधर एंड कर रही हूँ, और कैसा लगा जरूर कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और पसंद करना और इंस्टाग्राम पे जाके देखना, ठीक है। तो हमें याद रखना और ये ब्लॉग आएगा कल। अल्लाह हाफिज़।